हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम लेजेंड ऑफ द ब्लू सी का 12th एपिसोड देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दामरेओंग ने उस एविल इंसान की गर्दन पर तलवार रखी होती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो दामरेओंग को ही अरेस्ट करता है, क्योंकि उस एविल इंसान ने दामरेओंग को फंसाया होता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, वहाँ पर जूनजे को भी अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो कौन आर्टिस्ट था। वहाँ सामने जियोंग जूनजे का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस जूनजे को वहाँ से लेके जाती है। जियोंग जूनजे को कॉल लगाती है पर पुलिस उसको फ़ोन नहीं उठाने देती। तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस आता है। वो पूछता है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ वो क्रिमिनल मादयंग मिल नहीं रहा। उसका नाम सुनते ही जूनजे को पता चलता है कि वो यहाँ पर जूनजे का ही पीछा कर रहा था। वो पुलिस को बताता है कि मादयंग उसका ही पीछा कर रहा है। वहाँ वो लड़की अकेली खड़ी है। मुझे उसे कॉल लगाने दो। एक बार जूनजे जियोंग को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि उसे कोई काम आ गया है, तुम घर जाओ टैक्सी लेके। उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जियोंग टैक्सी में जाके बैठती है। जूनजे जियोंग को फिर से कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। और हम जियोंग को देखते हैं जो कि टैक्सी में बेहोश पड़ी थी और टैक्सी का ड्राइवर मादयंग था। जूनजे पुलिस को हर जगह चेक पॉइंट लगाने को बोलता है पर वो मादयंग दूसरा रास्ता से वहाँ से चला जाता है। हम मादयंग को हॉस्पिटल जाते देखते हैं जियोंग को लेके। वो वहाँ बाजू में टंकी में पानी भर रहा होता है और जियोंग वहाँ बेड पे पड़ी होती है बेहोश। जियोंग को होश आता है पर उसके पैरों में दर्द था। वो जियोंग को बोलता है कि मुझे कुछ कंफर्म करना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। और वो बोलता है कि मुझे ड्रीम आते हैं कि तुम मरमिड हो, और बताता है कि तुम इसलिए मैंने यहाँ पर पानी भर के रखा है तुम में मरमिड है क्या देखने के लिए। वहाँ उनका पीछा करते करते जूनजे और पुलिस भी आते हैं। जियोंग मादयंग को बोलता है कि बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे ड्रीम आते हैं, पर अगर मैं मरमिड थी तुम्हारे ड्रीम में तो मैं तुम्हें कुछ वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर कोई इंसान मरमिड को छूता है तो मरमिड के पास पावर होती है कि वो किसी को भी मेमोरीज मिटा सकती है। और जियोंग अपना हाथ मादयंग की तरफ बढ़ाती है। मादयंग उससे पीछे पीछे जाने लगता है। जूनजे हॉस्पिटल में एंटर करता है और मादयंग वहाँ से भाग जाता है। जूनजे को मरमिड की मन की बात सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि जूनजे मुझे डर लग रहा है। उस कमरे में जूनजे आता है जहाँ जियोंग होती है और उसे हग करता है। वहाँ आके मादयंग अपनी कार लेके वहाँ से भाग जाता है। जूनजे जियोंग को लेके घर आता है। उनके पीछे पुलिस भी आती है। उन्हें देख के नामदो और तायो डर जाते हैं। जूनजे जियोंग को कमरे में लेके जाता है और उसे सोने के लिए बोलता है। जूनजे उस पुलिस से बात करने आता है। जूनजे बताता है कि यहाँ घर के पास पुलिस बन के भी वो यहाँ पर आया था। उसने मुझे टेक्स्ट करके सुनसान जगह पर बुलाकर मुझ पर हमला भी किया था। जूनजे बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा उस मादयंग को पकड़ने के लिए। उसके बाद जियोंग जूनजे के बारे में सोचती है और जूनजे ये सब सुन के बहुत खुश होता है। पर जियोंग और ज़्यादा सोचने लगती है और फिर जूनजे को नींद नहीं आती। उसकी आवाज़ सुनने की वजह से उसकी नींद दूर जाती है। वहाँ जूनजे की स्टेप मॉम उसके पापा की मेडिसिन एक्सचेंज करती है और हाचियोन ये देख लेता है और वो मेडिसिन उसमें से निकाल देता है। जूनजे के पापा अपने लॉयर से बात कर रहे थे विल के बारे में। वहाँ हाचियोन आता है, वो उनकी बातें सुनता है। जूनजे के पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी जूनजे के नाम करना चाहते थे। लॉयर हाचियोन को देख लेता है पर हाचियोन उसे चुप रहने के लिए बोलता है। जूनजे की स्टेप मॉम उस मादयंग को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। हाचियोन अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें पूछता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। वो बोलती है कि तुम ऐसे सडनली क्यों पूछ रहे हो। हाचियोन बोलता है कि मैं आपसे पूछना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई।
वो बोलती कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपने तरीके से प्यार करते, और बोलती कि मैं और तुम सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचो। हम जियोंग को देखते हैं और जूनजी के बेड पर लेटी होती है। जूनजी उसे बोलता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। जियोंग सोचने लगती है क्या जूनजी मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है। जूनजी उसे बोलता है कि फिर तुम यहाँ सो जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ ऊपर के कमरे में। जूनजी की स्टेप मॉम और उसके पापा हॉस्पिटल में आए होते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ उसकी स्टेप मॉम उनको वहाँ बैठा कर कही जाती है। तभी वहाँ पर जूनजी की मॉम आती है। वो जूनजी के पापा की तरफ देखती है और जूनजी के पापा भी देख रहे थे सामने, पर उनको सब ब्लर दिख रहा था। वहाँ जूनजी की स्टेप मॉम आती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जूनजी की मॉम डैड साथ रहते थे और जूनजी की स्टेप मॉम इंश्योरेंस एजेंट थी। और हमें पता चलता है कि जूनजी की मॉम और स्टेप मॉम स्कूल फ्रेंड्स थी और वो दोनों तब बातें करते हैं। और तब जूनजी की स्टेप मॉम जूनजी की मॉम को बताती है कि उसने अपना नाम जी हॉन से कांगसी ही कर लिया है और मेरा हस्बैंड मर जाने के बाद एक बच्चे को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सब उसको बता रही थी। मतलब इस तरह से वो अच्छा अच्छा बोलकर उनकी फैमिली में घुसी थी। हम जूनजी को देखते हैं जिसको हाजियोन कॉल करता है। उसने ड्रिंक किया होता है। वो नशे के हालत में जूनजी को बोलता है कि तुम अपने पापा को प्रोटेक्ट करो, मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूँगा। मतलब अब तक जो हाजियोन अच्छा था उसका अब ट्रैक अब चेंज हो गया है। जूनजी अपने कमरे में आता है। तभी जियोंग बहुत सोच रही होती है। जूनजी बोलते हैं कि तुम कब तक सोचने वाली हो ये सब। जियोंग बोलती है कि रात भर। जूनजी को अब इस रात तो सोना था अच्छे से, इसलिए वो जियोंग की मन में जो डाउट थे उसे ख़त्म करने के लिए उसे किस करता है। और हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।